He said, oh. सही टाइम पर आ चुके हो क्योंकि आज है मेरी शादी आप देख सकते हो हम इस बढ़िया सी लिमोजीन में जा रहे हैं अपनी शादी पे इस पूरी को हमने सजा दिया और अपने पूरे घर को भी पर अभी फिलहाल हमारी शादी तो फटाफट से चल के शादी करते हैं एक सेकेंड यहाँ पर क्या चल रहे हैं। मुझे लगता है सारे के सारे गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं आपकी शादी में तो बहुत मजा आएगा हाशिजैन बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और गाइजर मिलिए इस लड़की से जिससे मेरी शादी होने वाली है क्या कौन सी प्रॉब्लम बताओ मुझे मैं तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए तारू तुम्हें हम से लड़ना पड़ेगा बच्चे हाँ सही कहा हमसे लड़ना पड़ेगा क्या तुमसे लड़ना पड़ेगा अरे क्या मतलब है मुझे कोई समझाएगा यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चे मैं समझाता हूँ मैं हूँ आज का पंडित जो कि तुम्हारी शादी कराने वाला था पर ये पांचों लोग आकर बोल रहे हैं कि ये स्वीटी से शादी करेंगे क्या स्वीटी से शादी करेंगे अरे उससे मेरी शादी होने वाली है नहीं 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 स्वीटी तो मेरी है ए यार स्वीटी तो मेरी है तो देखा तुमने बच्चे ये सारे के सारे लोग स्वीटी से शादी करना चाहते हैं अरे पर ऐसा कैसे हो आज तो मेरी शादी है ये लोग से आ गए अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा मेरे से शादी कौन करेगा? अरे मैं ही तो करूंगा और कौन करेगा नहीं मैं करूँगा मैं ये शादी नहीं होने दूंगा स्वीटी से शादी तो मैं ही करूँगा तुमने अगर स्वीटी को देखा भी तो मैं तुम्हें कराटे चौक मार दूंगा तेरे कराटे चौक की मैं चाउमीन बना के खा जाऊंगा चाउमिन मुझे भी चाहिए रुक जाओ सब के सब चुप हो जाओ मुझे पता ये कैसे ठीक करना है हाँ पंडित जी आप इनको बताओ ये सब के सब यहाँ से चले जाए ताकि मैं स्वीटी से शादी कर सकूँ नहीं फ्रैंकलिन ऐसा नहीं होने वाला मैं बताता हूँ स्वीटी से शादी कौन करेगा सबसे पहले जो भी स्वीटी से शादी करना चाहता है मेरे सामने आओ अबे अभी मैं तो शादी करना चाहता हूँ तू क्यों आना है तो मैं भी थोड़ी सी कर लेता हूँ अभी यहाँ पर के प्रसाद तो थोड़ा सा खा लेता हूँ मैं आपको बताना चाहता था हमेशा से कि मुझे भी स्वीटी से शादी करनी है अरे ये क्या चल रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं समझाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छह सात 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 जने जो कि स्वीटी से शादी करना चाहते हैं हमें डिसाइड करना पड़ेगा इन सातों में से कौन सबसे अच्छा है जो कि स्वीटी से शादी करेगा मैं मैं सबसे अच्छा हूँ मैं अच्छा हूँ अरे मैं अच्छा अरे तो अच्छा मैं बताता हूँ हम लोग करने वाले एक खतरनाक सा रैम चैलेंज और उस रैम चैलेंज में जो भी इन सब में से जीतेगा वो स्वीटी से शादी करने वाला है क्या एक रैम चैलेंज अरे ये क्या बात हुई स्वीटी तो मेरी बात सुनो तुम मेरे ऐसी शादी करो नहीं, नहीं नहीं तुम इस काले ऐसी शादी मत करना तुम मेरे ऐसी शादी करो तुम मैं क्या यहाँ पर घूमना आया हट जाओ तुमको मेरे ऐसी शादी करनी पड़ेगी

सबको जरूर मारूंगा तो गाइस अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है हमें उस रैम चैलेंज में जाना ही पड़ेगा और पार्टिसिपेट करके जीतना ही पड़ेगा अगर हमें स्वीटी से शादी करनी है तो सीधा साधा मेरी शादी हो रही थी पर इन सब के चक्कर में अब मुझे रैम चैलेंज जीतना पड़ेगा तो जल्दी जल्दी गुड लक फ्रैंकलिन कमेंट करो और लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना ताकि हम ये चैलेंज जीत सके तो चलो फटाफट से चलते हैं उस रैम चैलेंज में पार्टिसिपेट करते हैं तुम सारे के सारे लोगों का स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में ये चैलेंज होने वाला है स्वीटी से शादी करने के लिए ये चैलेंज तो मैं ही जीतने वाला हूँ नहीं, 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 और चैलेंज कौन जीतेगा वो अभी हमें थोड़ी देर में पता चलने वाला है इस चैलेंज में जीतने के लिए अपनी अपनी गाड़ी लेकर जाना इस खतरनाक से रैम पर इन सारी फुटबॉल पे गिरते गिरते तुम्हें जाना पड़ेगा उस मारियो के मुंह के अंदर और अगर कोई बीच में गिरा तो वो डिस्कालीफाई हो जाएगा उसके बाद बीच में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे सबको क्रॉस करते करते तुम्हें पहुंचना पड़ेगा फिनिशिंग लाइन पर और जो भी पहुंचेगा उसकी शादी होने वाली है स्वीटी से सभी को जो भी जीतेगा शादी करूंगी अला मुझे बताए स्वीटी सिर्फ मेरे से शादी करना चाहती है इसलिए मैं सबसे पहले जाके ये चैलेंज जीत जाऊंगा और तुम्हारा नंबर भी नहीं आने दूंगा हाइला हट जाओ जादू मुझे जादू ने गाड़ी चलाना सिखाया है हट जाओ मुझे धूप में गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है जादू हट जाओ हट जाओ तुम तो गैसर अभी आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर क्रिस जा चुका है और इसको लगता है ये चैलेंज जीत सकता है पर गाइस इसकी गाड़ी यहाँ पर गोल गोल घूमे जा रही है क्या ये पहुंच पाएगा फिनिशिंग लाइन तक? आपको तो क्या क्या लगता है? मैं तो पहुंच करूंगा। ये क्या हो गया? और गाइस तो, हा, 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 तो वो भी पेट्रोल से ना कि कोई धूप से हट जाओ सबके सब मैं ये चैलेंज जीतकर स्वीटी से शादी करने वाला हूँ हट जाओ हट जाओ तो आप देख सकते हो

मैं तो ये चैलेंज जीतने वाला हूँ तुम सब के हो गए अरे अरे ये क्या हो गया और कैसर ये क्या इस टनल के अंदर तो खड्डा था और ये शार्क होता है ओए मुझे लगता है इस शार्क को दिखता नहीं है ये तो ढंग से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा अरे इस डेट पुलिस की तो छी फटी हुई है और यहाँ कैसर इसके पीछे से तो छी क्यों फटी हुई है चलो कोई बात नहीं देखते ये क्या करने वाला है ओए मैं तो जीतने वाला हूँ हट जाओ सामने से बीच में क्यों आ रहे हो अरे वो

एंट्री कर ली है मारियो के मुंह के अंदर और ये क्या लास्ट में आते आते ये नीचे गिर चुकी है की, देखते हैं क्या चैन ये चैलेंज जीत सकता है अरे आप देख लेना तो चैलेंज जीत कर रहूंगा एक सेकेंड एक सेकेंड शिवचैन तू तो यहाँ पर स्वीटी ऐसी शादी करना चाहते है तो नने को दीदी का क्या मैं क्या बोल रहे हो तुम

कैसे जीतते हैं ये चैलेंज कैसे चलाते हैं गाड़ी हट जाओ सब के सब ओगी तुम जीत जाना ये चैलेंज तुमसे शादी करूंगी hey यार स्वीटी तुम टेंशन लो मैं ये चैलेंज जीत कर रहूंगा तो गाइस सर अभी बारी आ चुकी है ओगी की देखते हैं ये क्या करने वाला है क्या ये चैलेंज जीत पाएगा या फिर ये भी या फिर ये भी मिट्टी खा के नीचे गिरने वाला है ए यार, मुझे मिट्टी खाना बिल्कुल पसंद नहीं है मैं ये चैलेंज जीत कर रहूंगा गुड लक फ्रेंकलिन कमेंट नहीं किया तो क्या कर रहे हो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो सब के सब हट जाओ मैं जा रहा हूँ इस चैलेंज को जीतने के लिए स्वीटी से तो मैं ही शादी करूंगा अरे अरे और क्या

चैलेंज को जीतने के लिए और अपने गुड लक तो कमेंट कर ही दिया होगा और अभी से इस कार को खुदाते खुदाते भगाते भगाते लेकर चलते हैं सीधा उस मारियो की मुंडी के अंदर यहाँ पर गाड़ी की हालत ऑलरेडी खराब हो चुकी है पर हमें कैसे भी करके मारियो की मुंडी के अंदर जाना है और हम पहुंचने वाले थ्री टू वन लेट्स गो तो सर अभी आप देख सकते हो हम लोग पहुंच चुके हैं इस खतरनाक सी टनल में और यहाँ से हमें एक दो जंप और करने उसके बाद सीधा हम जाने वाले हैं फिनिशिंग लाइन आरोप होगी यहाँ पर गिरा था

और काय जर ये स्पाइडरमॅन तो फिनिशिंग लाइन के बहुत ही ज्यादा पास पहुंचता जा रहा है जल्दी-जल्दी कमेंट करो बैठ लग वरना ये तो सीधा फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाएगा मेट्रो सिटी मैं आ गया मैं आ गया मैं आ गया नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 और ये क्या स्पाइडरमैन ने तो लैंडिंग कर ली है फिनिशिंग लाइन पर ये कैसे हो सकता है बहुत बढ़िया चलो शादी करें तो जैसा कि आप सबको बताए हमने करा था एक खतरनाक सा चैलेंज जो भी उसमें जीतेगा वो स्वीटी से शादी करेगा और हमें हमारा विनर भी मिल चुका है जो कि है स्पाइडरमैन तो आज आप सबका स्वागत है स्पाइडरमैन और स्वीटी की शादी में नहीं 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 ये कैसे हो सकता है स्वीटी स्वीटी अरे मेरी तो स्वीटी से शादी नहीं हुई मेरी स्वीटी अरे कैसे इन सब के चक्कर में मेरे यहाँ पर शादी होते होते रह चुकी है और यहाँ पर स्पाइडरमैन की शादी हो रही है तो आज से अभी से, स्पाइडरमैन और स्वीटी होते हैं शादीशुदा पति पत्नी ये मेरी शादी हो गई मेरी शादी हो गई अरे बहुत बहुत बधाई हो स्पाइडरमैन तुम्हारी शादी हो गयी हेला बिल्कुल सही कहा बहुत बहुत बधाई हो बहुत बधाई हो Hey यार, मैं, बहुत, बहुत हूं। शादी होने वाली है पर हमारी शादी यहाँ पर बिल्कुल कैंसिल हो चुकी है और जिसके साथ मेरी शादी होने वाली थी उसकी शादी स्पाइडरमैन के साथ हो चुकी है तो अब यहाँ पर रुकने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है फटाफट से यहाँ से निकल लेते कायर आचीबुड़ से बिताई अगर आपको आची बड़ अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना पता नहीं इस लगी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो आज मेरी शादी होते होते यहाँ पर रह चुकी है पर कोई बात नहीं हमारी शादी कभी ना कभी तो हो ही जाएगी तो गाइस सर Instagram और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन पे वहां जाकर ज्वाइन और फॉलो करना लाइक और सब्सक्राइब कर देना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय